चौथे व अंतिम चरण के मतदान के लिए रवाना हुआ मतदान दल। किशनगढ़ और अराई पंचायत समितियों के लिए होने हैं मतदान। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ अराई पंचायत समितियों के मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। 5 दिसंबर को चौथे व अंतिम चरण के मतदान किए जाएंगे। सुबह 7:30 बजे से 296 बूथों पर मतदान होगा। लगभग 2,16,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और मतदान केंद्रों पर भी प्रशासन ने समस्त क्रियाएं पूर्ण कर ली है और कोविड-19 से संबंधित पालना कराने के लिए भी प्रशासन कमर कसे हुए है। वहीं मतदान दलों को भी सैनिटाइजर व मास्क व ग्लव्स उपलब्ध कराए गए हैं तथा मतदान बूथ में कोई भी मतदाता बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का ख्याल रखना होगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण कर ली है तथा 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए भी सभी कार्य संपन्न कर लिए हैं। चौथे और अंतिम चरण के मतदान के लिए किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति के मतदान संपन्न कराने के लिए आज मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। कल 7:30 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। कुल 296 बूथ स्थापित किए गए हैं जिन पर मतदान होगा। लगभग 2,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मतदान केंद्रों के ऊपर भी समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है और कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी सभी को निर्देशित कर दिया गया है। किस तरह से सैनिटाइजर मतदान दलों को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि मतदान बूथ में कोई भी मतदाता बिना मास्क के प्रवेश नहीं करें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है और इसके साथ ही मतगणना के लिए भी 8 दिसंबर के लिए सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। कितना स्टाफ गया है? प्रत्येक बूथ पर पोलिंग पार्टी में 5 मतदान कार्मिक हैं, जिसमें 1 पोलिंग ऑफिसर और 4 सहायक पोलिंग ऑफिसर हैं और 1 कांस्टेबल सभी मतदान दलों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए है प्रत्येक बूथ पर। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1-4 का पुलिस जाब्ता उपलब्ध है और जो संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पर अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था की गई है।